वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? प्रे करती हूँ कि आप सब हमेशा खुश रहे। आज हम बनाएंगे स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज मैगी, आप चाउमीन मैगी भी इसे कह सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट मेथड से बनाएंगे इसे, जिस तरीके से स्टॉल वाले स्ट्रीट वाले बनाते हैं सेम उसी तरीके से। आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए बगैर स्किप किए और इस तरीके की मैगी बना लीजिए। आपको ऐसे लगेगा नहीं कि आपने ये मैगी घर बैठे बनाई है, बस आपको सेम बस स्टॉल वालों की जैसा मज़ा आएगा कि नहीं आप बाहर जाके मैगी खा रहे हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है। पूरे टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है कि इसे किस तरीके से बनाना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मैगी के पैकेट को खोल लिया है। यह है मैगी नूडल्स और साथ में है मैगी मसाला यानी कि टेस्ट मेकर। मैं आपको एक पैकेट मैगी से, जिस तरीके से स्ट्रीट पे चाइनीज हमें मैगी खाने मिलती है एक प्लेट कैसे बनाते हैं वो लोग, उस तरीके से आपको मेथड बताऊंगी एक प्लेट एक मतलब पैकेट मैगी से। तो आप चाहे अगर आपको ज़्यादा लोगों के लिए बनाना है, क्वांटिटी ज़्यादा रखना है, तो आप सेम मेथड यूज़ कीजिए, बस क्वांटिटी चीज़ों की बढ़ा दीजिए। अब सबसे पहले हमने 2 कप पानी बॉईल कर लिया है अच्छी तरीके से और जो हमारे पास मैगी की नूडल्स है वो हम पानी के अंदर डाल देंगे। अब देखिए इस तरीके से कभी कभी क्या होता है, मैगी के पैकेट के अंदर थोड़े से टुकड़े भी रह जाते हैं, मैंने वो भी इसके अंदर डाल दिए हैं। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास बचे थे तो वेस्ट ना हो करके मैंने डाल दिए। आपको सिर्फ लंबी लंबी ही मैगी चाहिए तो आप बिल्कुल भी साबित जो उसका केक है मैगी का उस तरीके से डालिए, आपको इस तरीके से टुकड़े डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पर वो वेस्ट ना हो करके मैंने बाकी के ऐड कर दिए। तो देखिए अब हमें इसे किस तरीके से बॉईल करना है। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे बॉईल कर रहे हैं तो 1 मिनट में आपकी मैगी बॉईल हो जाएगी, लेकिन क्या होगा कि अगर आप वहाँ से हट जाते हैं तो फिर वो हाई फ्लेम की वजह से पानी बॉईल होकर नीचे गिरने लगेगा। तो अगर आप खड़े रह के बना रहे हैं तो 1 मिनट में बिल्कुल बना लीजिए हाई फ्लेम पर इसे ऊपर नीचे करते हुए चम्मच की मदद से। और अगर आप वहाँ से हट रहे हैं तो आप लो फ्लेम पर इसे 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो दोनों भी मेथड है, आपको जिस तरीके से यूज़ करना है आप कर सकते हैं, या तो फिर 1 मिनट या तो फिर 2 मिनट। एक बार फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारी रेसिपीज वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। तो देखिए अब अच्छी तरीके से हमारी मैगी बॉईल हो गई है। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेनर ले लेंगे छलनी, उसके नीचे रख लेंगे एक बर्तन और हम इसे अब छान लेंगे उसके ऊपर। तो अब गैस को हमने कर दिया है ऑफ और ले लिया है हमने एक बर्तन और बर्तन के ऊपर स्ट्रेनर। तो देखिए अब हम इसे छान लेते हैं। अब ये प्रोसेस हमें ज़रा जल्दी जल्दी करना है कि मैगी को हमको ज़्यादा बिल्कुल ओवर कुक नहीं होने देना है। अब जल्दी से हम ठंडा पानी ले लेंगे और ठंडा पानी इस मैगी के ऊपर डाल देंगे, क्योंकि कैसे जब तक हम ये प्रोसेस नहीं करेंगे तो मैगी आपस में चिपक जाएंगी। और अच्छे से छानने के बाद अब हम एक प्लेट के अंदर निकाल देंगे, खुली वाली प्लेट या थाल आपको लेना है। अब इसके ऊपर हमें डालना है 1 चम्मच ऑयल और ऑयल डालने के बाद हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये प्रोसेस हम इसलिए करेंगे कि इस तरीके से मैगी आपस में चिपकेंगी नहीं और खुली खुली रहेंगी। अब यहाँ पर हम 1 छोटा चम्मच रेड चिली सॉस डालेंगे, उसके बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच सोया सॉस, डार्क सोया सॉस है। मेरे पास पाउचेस है, आपके पास जो भी है बॉटल्स वगैरह उससे भी आप डाल सकते हैं चम्मच से। अब डालेंगे हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, इसकी जगह आप गार्लिक का जो सॉस होता है ना चिली गार्लिक वो भी डाल सकते हैं, ये भी हमने डाला है 1 छोटा चम्मच। अब हम यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच टोमेटो सॉस। अब ये डालने के बाद हमें क्या करना है, सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स इस डिश का मैगी मसाला। तो यहाँ पे जो एक पैकेट हमारा निकला है मैगी मसाले का, तो अभी हम आधा यूज़ करेंगे और आधा हम बाद में यूज़ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आधा हम इसके अंदर डाल देते हैं मैगी मसाला। अब मैगी मसाला डालने के बाद हम क्या करेंगे, अच्छे से इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे मैगी के साथ नूडल्स के साथ। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ, मैंने 2 स्पून ले लिए हैं छोटे चम्मच और उनकी मदद से मैं इस तरीके से मिक्स कर रही हूँ, इससे आसानी होगी और सभी सॉसेस और मसाले मैगी में मिक्स हो जाएंगे, यानी कि मैगी मसाला और सॉसेस। तो आप सेम मेथड या ट्रिक आजमा सकते हैं और इस तरीके से आपस में आप मिक्स कर लीजिए पूरी मैगी को। तो देख सकते हैं आप, ऐसा लग नहीं रहा है कि मैगी है, सेम चाउमीन नूडल्स लग रही है। तो देखिए रेडी है अब ये। अब हम एक पैन में ऑयल डाल देंगे 1 चम्मच, उसके बाद डालेंगे 2 लहसुन की कलियां बारीक कटी हुई,
एक छोटी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। चाइनीज में गार्लिक डालना यानी कि लहसुन डालना बहुत कंपलसरी है, ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब देखिए ये सारा प्रोसेस हम करेंगे हाई फ्लेम पर। अब हम डालेंगे यहाँ पर आधी कटी हुई प्याज, लंबे लंबे टुकड़ों में आपको काटना है। हाई फ्लेम पर लगातार हम इस तरीके से चलाते जाएंगे क्योंकि सब्जियाँ जलनी नहीं चाहिए और ओवर कुक भी नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरीके से थोड़ी हल्की सी प्याज हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर डाल देंगे सब्जियाँ। तो सब्जियाँ आप आपकी फेवरेट ले सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो सब्जियाँ मैं ले रही हूँ अगर वो आप डालते हैं तो बहुत ही यम्मी सी टेस्टी सी बनती है। अब यहाँ पर हम डालेंगे शिमला मिर्च लंबे टुकड़ों में कटी हुई, गाजर लंबे टुकड़ों में कटी हुई, और इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। लगातार चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल फील आ रहा है ना कि स्ट्रीट पे जिस तरीके से बनती है बस वैसे ही खुशबू आ रही है और वैसे ही बिल्कुल आवाज़ आ रही है उसमें तड़कने की। बस इस तरीके से हमें प्रोसेस करते जाना है। अब हम लास्ट में डालेंगे पत्ता गोभी, इसे भी हमने लंबे टुकड़ों में काट लिया था। अब डाल देंगे हम सब्जियों के हिसाब से आधा छोटा चम्मच नमक, और नमक डालने के बाद भी इस तरीके से हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे टॉस भी करते जाएंगे। अगर आपको आसानी जाती है टॉस करने में तो आप इस तरीके से इसे टॉस कर सकते हैं, हिला सकते हैं पैन को। अब देखिए सब्जियां रेडी हो गई है अच्छे से। अब हम इसके अंदर जो हमने मैगी बनाकर रखी है सॉस वगैरह मैगी मसाला डाल के उसको डाल देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए इसे भी हम क्या करेंगे, टॉस करेंगे। अगर आपको इजी लगता है मेथड तो करिए, या तो फिर आप स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। अब देखिए फिर पहले की तरह ही मैंने दो स्पून ले लिए छोटे वाले दो चम्मच, और इसे अच्छी तरीके से सब्जियों के साथ मैं इस मैगी को मिक्स कर दूंगी। बहुत इजी हो जाता है, एक बार ट्राई करके देखिए। देखिए मेथड से कितने अच्छे से मिक्स हो गया है, पूरी मैगी अच्छे से मिक्स हो गई है सब्जियों के साथ। और आप आवाज़ सुन सकते हैं कितनी अच्छी आवाज़ आ रही है मैगी बनने की, और साथ ही खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम बचा हुआ मैगी मसाला भी यहाँ पे ऐड कर देंगे, डाल देंगे। अब मैगी मसाला डालने के बाद भी हम अच्छे से इसे मिला लेते हैं, टॉस कर लेते हैं। तो चलिए गर्मा गर्म इस चाइनीज़ मैगी को सर्व कर लेते हैं। अगर आपको हमारी ये स्ट्रीट स्टाइल चाइनीज़ मैगी पसंद आई है तो ज़रूर एक बार इसे ट्राई करके देखिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आपको देखने मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।